अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? फाइनली दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज जिस हम लोकेशन पे सामने की तरफ देखिए दोस्तों, भाई खजा, मतलब ऊपर मराठी नीचे हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है भाई खजा। बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं और चारों तरफ से लगे हुए हैं स्टेशन पे। और अभी दोस्तों मैं भाई खजा के स्टेशन पे उतरा हुआ हूँ और आज चलने वाला हूँ भाई खजा को टूर करूँगा। वैसे दोस्तों पता है मुंबई का ये भी काफ़ी VIP और काफ़ी फेमस एरिया है, यहाँ पे भी काफ़ी रिच लोग रहते हैं। हम जैसे गरीबों का अड्डा खोजेंगे, जस्ट जोकिंग ब्रो। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं वीडियो काफ़ी दिन के बाद अब लेके आ पाऊँगा, क्योंकि जैसा कि दोस्तों आपको पता है भाई, घूमने के लिए पैसा होना चाहिए और जब पैसा नहीं रहती तो कहीं इज्जत भी नहीं। तो फिलहाल दोस्तों अब डेली वीडियोस नहीं आ पाएंगे, उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है भाई कि अपना ना जॉब पहले सिक्योर करो, घूमना फिरना होता रहेगा। अभी ऐसी अपनी हाजत हुई है ना, 10-10 रुपए के लिए मोहताज हुआ पड़ा हूँ, इसलिए भाई अपने ना जॉब खोजने में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, वीडियो बनाने में कम। तो अभी 2 या 3 दिन के बाद एक वीडियो आएगी। जनाब अभी आपने देखा था, हम भाई खजा रेलवे स्टेशन के अंदर थे, वहाँ का माहौल वगैरह दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अभी जस्ट दोस्तों मैं स्टेशन के बाहर आया हूँ, यहाँ का स्टेशन से बाहर का माहौल देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक मुझे बड़ी बढ़िया दुकान देखी, श्री जी फ्रूट्स, पूरी ड्राई फ्रूट्स की दुकान है। अगर आप भाई खजा स्टेशन में आते हैं ना तो वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। बाकी हम जैसे गरीबों के लिए ड्राई फ्रूट्स कहाँ है भाई। बाकी दोस्तों भाई खजा अभी स्टेशन के बाहर रोडों पे आया हूँ, यहाँ का रोडों का माहौल देखिए यार, काफ़ी अच्छा माहौल दिख रहा है। घर है दोस्तों, बिल्डिंगें यहाँ पे हमें काफ़ी प्यारी प्यारी और काफ़ी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे रहना दोस्तों आसान बात नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया है। तो फाइनली जनाब अभी मैं घूम रहा था भाई खजा को, जैसा कि दोस्तों ये यहाँ का एरिया देख सकते हैं यार, गर्मी ना अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने अभी यहाँ पे लिया दोस्तों इस तरह से न्यू पानी, एक रिफ्रेशमेंट लेता हूँ, क्योंकि यार बहुत जगह तो दोस्तों अभी ठंडी स्टार्ट भी हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे गर्मी अभी इतनी खतरनाक है ना कि पूछो मत। बगैर नींबू पानी के दोस्तों एक कदम भी नहीं चला जाता। बाकी दोस्तों इस तरह से आपको जगह जगह इस तरह से नींबू पानी का रिफ्रेशमेंट मिलेगा, और ये 10 रुपये का भाई ने बनाया है। और अच्छा भाई अभी कौन सा एरिया है ये? कंचनबाड़ी है। कंचनबाड़ी है ना। अच्छा भाई यहाँ पे फेमस क्या है जो देखने जाए हो या कुछ ऐसा खास? मेन तो चोरे बाजार है। मेन चोरे बाजार है क्या? हाँ वो खैर चोर बाजार तो दोस्तों यहाँ से दूर है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा ये एरिया एक्सप्लोर करते हैं। और भाई अगर यहाँ पे रहने वगैरह का इंतजाम वगैरह करना हो तो रेंट वगैरह कितना आता है इस एरिया का? कितना आपके घर का कितना भाड़ा ये बता दीजिए? आप भाड़े पर रहते हैं? आपका खुद का है? नहीं भाड़े का है। तो आपका कितना है? 15,000 महीने का। अरे बाप रे, फ्लैट है क्या? नहीं नहीं नीचे पूरा दुकान है ना, चौज है यहाँ, ये नाश्ते वास्ते का दुकान। अरे वाह, इनका दोस्तों 15,000 रुपये भाई साहब बता रहे हैं भाड़ा, यार ये तो काफी एक्सपेंसिव है। अभी हम भी चलते हैं देखते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे एक बार रूम रेंट वगैरह भी देखेंगे। अच्छा इसी यार ये CST स्टेशन से काफी करीब में आता है, मतलब काफी VIP एरिया आता है ना? हाँ उधर से सब मिलेगा, पूरा गेट हाउस है, पूरा पूरा एकदम VIP एरिया ना। और आपका नाम क्या भैया? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहाँ से है जनाब आप? यूपी बहराइच से है। वाह क्या बात है। एक बात तो है, अगर आप मुंबई में घूमते रहेंगे तो आपको यूपी वाले बहुत दिखेंगे, और मैं भी खैर यूपी से हूँ जैसा कि मैंने आपको कई बार बता ही दिया है। बाकी स्टेशन से थोड़ा सा आगे जब आते हैं तो नींबू पानी बेचते हैं, और बाकी ठीक है यार, काफ़ी अच्छा है और एक अच्छी रिफ्रेशमेंट हो जाएगी, थोड़ा सा फील गुड होगा और घूमने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि धूप ज़्यादा नहीं है लेकिन उमस ज़्यादा है। भाई क्या करो अभी इधर बीचन में 2-4 दिन से उमस कुछ ज़्यादा ही नहीं है क्या? अभी गर्मी बरसात में इतना नहीं था, लेकिन अभी मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो उमस भी ज़्यादा हो रहा है और लोगों की तबीयत वगैरह भी ज़्यादा ख़राब होने लग गई है। तो फिलहाल इस तरह के यहाँ के सीन्स वगैरह हैं जो अभी मैं अंदर चल के दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे देखिए इस तरह से माहौल वगैरह है, काफ़ी क्राउडेड यहाँ पे। मोस्टली पॉपुलेशन कौन रहता है भाई? मुस्लिम ज़्यादा है क्या यहाँ पे कि मिक्स हैं? ज़्यादा मुस्लिम ज़्यादा है ना, तो मुस्लिम भाई साहब देखो भाई ये रोड से आप सीधा जाओगे, सीधा एकदम सीधा मेन रोड आएगा, मेन रोड से आप सीधा जाओगे मदनपुरा। हम यहाँ पे एक कॉर्नर पे खड़े हैं, यहाँ पे अगर आप माहौल देखेंगे इस तरह से आपको साइड से बिल्डिंगें भी दिखाएंगे, इस तरह से मतलब पुरानी भी आपको बिल्डिंग वगैरह दिखेगी।
बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे भाई खजा में, यहाँ पे आपको खाने पीने की दोस्तों एक से एक वैरायटीज मिलेंगी। अगर आप कभी आते हैं ना तो इधर यार एक बार घूम के आप खाने पीने की चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी मैं इधर ही से होते हुए जा रहा हूँ आगे की तरफ। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से दोस्तों, यहाँ पे ये झुग्गियाँ हैं, नहीं कह सकते, ये हाफ झुग्गी है और हाफ बिल्डिंग है, कुछ इस तरह के सीन्स हैं। क्योंकि नीचे दोस्तों मुझे कुछ उसी तरह का माहौल दिख रहा है, ऊपर बिल्डिंग वगैरह फिलहाल दिख रहा है। बाकी यार यहाँ का जो मुझे माहौल है ना, मतलब कहते नहीं, मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ भरा हो और इस तरह से लोगों के घर हों, और इनके घर के जस्ट पीछे दोस्तों इस तरह से आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगियाँ देखने को मिलेगा। और खाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे लजीज व्यंजन मिलेंगे। हाँ, ये स्ट्रीट साइड होता है, अगर आप हाइजीन को देखेंगे तो थोड़ा सा आप डिसएग्री हो सकते हैं यहाँ पे खाने पीने से, लेकिन ओवरऑल दोस्तों लोगों की यहाँ पे जिंदगियाँ कटती हैं, यही खाना खा खा के दोस्तों वो यहाँ पे अपना कहते नहीं ज़िंदगी बिताते हैं, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं करेंगे, यहाँ का माहौल दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस तरह से आपको एक से एक VIP होटल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। और बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरह से लोगों के घर वगैरह भी देखने को मिलेंगे, जो रोडों पे दोस्तों इस तरह से होते हैं, पत्रे के घर होते हैं, एक फ्लोर दो फ्लोर के लोग बना के अपना ज़िंदगी का गुजर बसर फिलहाल दोस्तों यहाँ पे करते हैं। ये नीचे की तरफ चिकन की दुकान, ऊपर की तरफ दोस्तों उनका घर वगैरह। बाकी यहाँ पे देखेंगे इस तरह से घर वगैरह, बाकी ये ऊंची ऊंची दोस्तों आपको बिल्डिंगियाँ यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। ये पूरा दोस्तों जो मैं माहौल दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा भाई खजा का है। मैं दोस्तों अभी भाई खजा में बहुत अंदर तक नहीं एक्सप्लोर किया हूँ, और अभी मैं करूँगा जितना भी दोस्तों हो सकता है, मैं आपको लोकेशंस दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों हमारे वीडियो में वही मकसद ही होता है। बाकी इस तरह से दोस्तों लोगों के घर के पीछे सीढ़ियाँ होती हैं, और इस तरह से फैमिलियाँ दोस्तों यहाँ पे रहती हैं। और बाकी यहाँ का माहौल देखिए, इधर जूस साफ है, इधर होटल्स के आपको एक से एक दुकान मिलेंगे। बाकी रहना पीना, रहना भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी महंगा है, इतना सस्ता नहीं है भाई। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, 15-15 हज़ार रुपये दोस्तों इधर भाड़ा बता रहे थे भाई, ऐसे ऐसे जगह रहने के लिए है भाई। एक्सपेंसिव तो है ये जगह, क्योंकि यार ये कहते हैं ना CST से एकदम करीब में है। तो फाइनली दोस्तों हमें एक छोटा सा एक्सपीरियंस करना था यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखा आप किस तरह से मैं यहाँ पे सेविंग वगैरह कराता हूँ, और ये भाई काफ़ी शिद्दत और मेहनत के साथ किया, और यहाँ पे इस तरह से ये इनका घर है, और यहीं पे वो काम करते हैं दोस्तों, यहीं पे सो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों लोगों की ज़िंदगियाँ होती हैं। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे 1-2-3 दुकानें हैं, और ये आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इस छोटा सा स्पेस है, ये गली ही है, गली के अंदर दोस्तों इस तरह से रास्ता गया है। और यहाँ पे ये जो इनकी दीवार देखेंगे, ये पन्नी की ही है, चारों तरफ से कवर करते हैं, ऊपर भी दोस्तों पन्नी है, और इसी पन्नी के अंदर ही इनका सारा दिन भर का क्रियाकलाप वगैरह होता है, वो इसी में रहते हैं और इसी में दोस्तों अपने ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। तो सोचिए दोस्तों मुंबई में जो किस तरह से अपने ज़िंदगियों को बिताते हैं। और बाकी दोस्तों मैं अभी भाई खजा में घूमते हुए एक चीज़ जो नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऑटो रिक्शा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों जैसा कि पता है ये मुंबई में ये बैन है, ये मतलब मेन मुंबई का ही एरिया आता है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑटो रिक्शा वाले, जैसा कि दोस्तों पता है ना, उनकी वजह से ना ट्रैफिक ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि वो कहीं पे भी घुसा देते हैं, ऐसा मतलब मुझे लगता है, और ऐसा है ना कहीं ना कहीं। और बाकी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इस तरह से लोग अपना टाइम वगैरह यहाँ पे भी बैठ के स्पेंड कर रहे हैं। बाकी यहाँ का माहौल देखिए, यहाँ पे घूमेंगे, यहाँ पे एक अलग ही टाइप को आपको वाइब मिलेगा, खास करके दोस्तों भाई खजा में, जो कि मैं अभी दिखा रहा हूँ। बाकी इस तरह से आपको एक किनारे किनारे से स्कूटी वगैरह, मतलब ऊपर उनका घर है तो नीचे दोस्तों इस तरह से पार्किंग करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है मुंबई में भाई किसी को एक कदम रखने की जगह नहीं है, यहाँ पे बाइक भी पार्क करना काफ़ी मतलब एक टफ काम होता है। लोग खरीदने को दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेंगे, लेकिन दोस्तों रखने के लिए ना उनके पास जगह नहीं होता यार। मुंबई में इतना ज़्यादा क्राउड है कि लोग सिर्फ और सिर्फ रह जाए, वही बड़ी बात होती है। और बाकी इस तरह से रोडों के किनारे दोस्तों आपको गाड़ियाँ वगैरह जगह भी दिखाई देंगी, किसी का कोई पर्सनल पार्किंग वगैरह नहीं होता है, मतलब मोस्टली दोस्तों ऐसा देखा जाता है केसेस में, खास करके जो थोड़ा सा चार्ज एरिया होता है, मैं उधर की बात कर रहा हूँ। बाकी देखो दोस्तों जो बिल्डिंग में रहता है तो भाई उनकी बात ही मत करो, उनके लिए तो स्पेशल पार्किंग बना होता है, 2-2-3-3 फ्लोर उनकी पार्किंग के लिए होती है, वो 4-2 व्हीलर भाई, वो चाहे तो ऊपर उनका हेलीपैड भी होता है, वो जाके हेलीपैड से अपना जहाज भी उतारते उधर, ऐसा होता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस एरिया में ऐसा नहीं होता, जहाँ पे हम जैसे दोस्तों गरीब रहते हैं, गरीब नहीं दोस्तों, गरीब नहीं दोस्तों, हम तो मिडिल क्लास बोल सकते हैं, कि ये जो मिडिल क्लास ही होते हैं,
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा, फिर मिलेंगे। अगर दोस्तों आप चाहे आपका कमेंट आया भाई खिला को एक बार फिर से हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।